नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। आइए रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली में भी मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज, LNJP में भर्ती, तंजानिया की ट्रैवल हिस्ट्री। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान से गरमाया माहौल, चप्पे चप्पे पर फोर्स, 4 पर FIR। नागालैंड के मोन जिले में शनिवार को अंधाधुंध फायरिंग में 13 लोगों की हुई मौत, CM नेफ्यू रियो ने दिए जांच के आदेश। उड़ीसा के पुरी में बारिश शुरू, आज दोपहर तक पहुंच सकता है चक्रवाती तूफान जवाद। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट, कोविड केयर सेंटर फिर से एक्टिव करने का आदेश। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के घामगांव शहर में दिखा बंगाल टाइगर, मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद। ममता बनर्जी ने नेपाली कांग्रेस का न्योता स्वीकारा, अगले हफ्ते जा सकती हैं नेपाल। प्रतीक सहजपाल को मिला गौहर खान और काम्या पंजाबी का सपोर्ट, एक्ट्रेस बोली ट्रॉफी जीत कर वापस आना। मुंबई टेस्ट में मयंक अग्रवाल का कमाल, दोनों पारियों में कीवी बॉलर्स को धोया। गोरखनाथ मंदिर जाएंगे CM योगी, चंदौली, लखनऊ और वाराणसी में भी कार्यक्रम तय। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।